ध्रुव किस प्रकार का हो जैसे कुम्हार अपने घड़े को इतनी अच्छी तरीके से अंदर हाथ लगा करके ऊपर से उसकी प्रत्येक कमी को दूर करने का प्रयास करता है, ठीक उसी प्रकार से अध्यापक का भी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि वह अपने शिष्य में जो भी किसी प्रकार की कमियां आती हैं, जो कमी सब में होती है, हम में भी है, उनमें भी होती है, लेकिन उन कमियों को हम दूर करने का पूरा प्रयास करें जिससे हमारे आने वाले समाज को आगे बढ़ाने में वो हमारी भावना में